किया जा रहा है। अगली खबर का रुख करेंगे, जब आस्था पर अंधविश्वास हावी हो जाए तो मानवता स्तब्ध हो जाती है, समाज सन्न रह जाता है। सोमवार को डूंगरपुर में ऐसा ही हुआ। घर के बाहर पुलिस का जमावड़ा और घर के अंदर पूजा के स्थान के पास बिखरे खून के धब्बे, तस्वीरें डूंगरपुर की हैं, जहां 15 साल की एक लड़की ने अपनी ही चचेरी बहन का सिर धड़ से अलग कर दिया। मिली जानकारी के मुताबिक चित्रिया छिंजवा फला में शंकर के घर हरियाली अमावस्या के दिन दशा माता की प्रतिमा स्थापना कर रोज सुबह शाम पूजा अर्चना चल रही है। रविवार रात को भी रोज की तरह दशा माता की पूजा आरती का कार्यक्रम रात 8 बजे से शुरू हुआ और देर रात तक चलता रहा। तभी कुछ ऐसा हुआ कि इलाके में सनसनी मच गई। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक रविवार रात दशा माता की पूजा अर्चना चल रही थी, तभी शंकर की 15 साल की लड़की लक्ष्मी ने खुद पर देवी आने की बात कही और तलवार लेकर दौड़ने लगी, जिससे वहां बैठे लोगों में हड़कंप मच गया। जान बचाने के लिए लोग इधर उधर भागने लगे। लक्ष्मी के दो भाइयों ने उसे पकड़ना चाहा तो उसने उन पर भी वार करने की कोशिश की, जिसके बाद वे पीछे हट गए। उसी घर में लक्ष्मी के चाचा सुरेश की 7 साल की बेटी पुष्पा सोई हुई थी। लक्ष्मी की नजर जैसे ही उस पर पड़ी, वो उसे घसीटते हुए मकान के दूसरे हिस्से में ले गई और तलवार से ताबड़ तोड़ वार कर बहन की गर्दन धड़ से अलग कर दी। हद तो ये है कि बच्ची के मरने के बाद भी लक्ष्मी पागलों की तरह शव पर वार करती रही। इनके परिवार वालों ने बताया कि दशा माता की मूर्ति स्थापित हुई थी। रात को हमारे प्रोग्राम चल रहा था, दशा माता मूर्ति प्रोग्राम के दौरान ये लक्ष्मी को बाहर आने से उसने तलवार लेकर के सबको पीछे की पीछे पड़ी, तो हम तो भाग गए और वो बच्ची उस लड़की पुष्पा अकेली थी, उसके ऊपर वार करके हत्या कर दी। घटना के बाद जैसे तैसे शंकर ने अपनी बेटी लक्ष्मी को पकड़कर काबू किया, लेकिन तब तक चचेरी बहन की मौत हो चुकी थी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने लक्ष्मी को डिटेन किया और FSL टीम बुलाकर सबूत जुटाए। इधर जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव और ASP अनिल मीणा भी चीतरी पहुंचे और मामले की जानकारी लेते हुए पुलिस अधिकारी को जरूरी निर्देश दिए। सुरेश की बहन लक्ष्मी, जिसको रात को 3-1 बजे के आसपास बाप आते हैं और वो तलवार लेके वहाँ पूजा स्थल पर तलवार पड़ी थी, वो लेके परिवार के लोगों के पीछे दौड़ती है और उसके बाद उसकी भतीजी वर्षा के गले पर तलवार से वार करती है, जिसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। वगैरह रिपोर्ट पुलिस गई हुई है वगैरह रिपोर्ट पर और अनुसंधान जारी है। FSL की टीम बुला ली गई है बांसवाड़ा से, वो भी देख रही है और मुलजिम लक्ष्मी को डिटेन कर लिया गया है। दसवीं की छात्रा लक्ष्मी हॉस्टल में रहकर खड़गदा के सरकारी स्कूल में पढ़ रही है। लक्ष्मी की हालत को देखते हुए पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस का कहना है कि लक्ष्मी की दिमागी हालत को लेकर घर वालों से कोई खास जानकारी नहीं मिल पाई है। पूछताछ के लिए पुलिस लक्ष्मी के हालात सामान्य होने का इंतजार कर रही है। वहीं लक्ष्मी के स्कूल जाकर टीचर्स और उसके दोस्तों से भी पूछताछ की तैयारी कर रही है। न्यूज 18 राजस्थान के लिए डूंगरपुर से जयेश पनवार की रिपोर्ट। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, सीएम गहलोत ने महंगाई और बेरोजगारी को